आईएनएस न्यूज़ के तमाम ग्रुप मेंबरान को मेरा सलाम। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल आईएनएस न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हिम्मत अफजाई है। फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमको सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे मजलिस क़ियादत और मुस्लिमीन की जानिब से हल्के चार मीनार से नुमाइंदगी का मौका दिया गया। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं इसी बस्ती के अंदर अपनी सारी जिंदगी गुजार दिया और अल्लाह के फजल व करम से पिछले 25 साल से हल्के याकूतपुरे के एक एमएलए की हैसियत से, आपके खिदमत गुजार की हैसियत से मैं आवाम के दरमियान में रहा। मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर छठी मरतबा मुझे मंजर इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हल्के चार मीनार की नुमाइंदगी का मौका दिया गया। मंजर इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके लिए कोई नई जमात नहीं है। मंजर इत्तेहाद मुस्लिमीन बरसा बरस से आपकी खिदमत करते आ रही है और सारे मोगलपुरे के अंदर मैं जहां तक समझता हूं कि आज वो मेरे साथी वो बुजुर्ग इस इलाके के अंदर नहीं है। खुसूस कर यात्रा व अकनाब का इलाका आज से 40 साल पहले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरगरम कारकुन इसी इलाके में रहते थे और आज भी अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वालियाना चाहने वाले इसी इलाके के अंदर है। मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो मुखालिफीन मजलिस आपके दरमियान में आकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उनके बातों में ना आइए, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रही है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उमूमन लोगों की सोच होती है कि जो भी मुंतखबा नुमाइंदे होते हैं एमएलए एमपी काउंसलर और रोड मोहरी और ब्लाइंड की हद तक महदूद रहते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुसलमानों की पसमानदगी को महसूस करते हुए तालीमी मैदान में भी तरक्की की। आज अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी जमातें हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में जो तरक्की की वो आज आपके सामने है। चूंकि जमाना तरक्की कर रहा है तो आज इंसान के अंदर तालीमी शऊर बेदार करना बेहद जरूरी है। यही महसूस करते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में अपने कॉलेजेस कायम किए, तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है, खुसूस कर मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, कि आप इस इंतखाबात के अंदर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करें और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें।